ग्रामीण भागातील तरुण कवींच्या विविध विषयांवरील कवितांचे वाशी येथे आयोजन करण्यात आले आहे. 14 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी अखिल भारतीय अग्निशिखा मंचद्वारे आयोजित कवी संमेलनात जिल्ह्यातील कवींनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन या मंचाच्या अध्यक्षा अलका पांडे यांनी केले आहे. अतुल अग्रवाल हे कार्यक्रमाचा समारोप करतील. सध्याच्या धकाधकीच्या जीवनात काव्यामुळे विरंगुळा मिळून ताण कमी होण्यास सहाय्य होते. काव्यातून मनाला आनंद मिळतो. या कवी संमेलनात जास्तीत जास्त कवींनी सहभागी व्हावे असे आवाहन मंचातर्फे करण्यात आले आहे. ब्युरो रिपोर्ट, इंडिया टीव्ही न्यूज. विश्वधर भावे हाल में शाम को 8 बजे आप लोगों के लिए एक रंगारंग कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है गुदगुदी. गुदगुदी एक ऐसा हास्य कवि सम्मेलन है जिसमें आप आकर हंसेंगे और अपनी आपाधापी वाली जिंदगी को, नीरस होती जिंदगी को कुछ समय के लिए भूलकर एक हंसी खुशी के माहौल में रंग जाएंगे और अपने आप को तरोताजा महसूस करके दूसरे दिन और अधिक काम पर निकल जाएंगे. मैं और मेरे सहयोगी बहुत दिनों से सोच रहे थे, हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं अग्निशिखा के माध्यम से, कि एक इस तरह का माहौल पब्लिक को दिया जाए जिससे कि वो उसमें काम करने की ऊर्जा बढ़ जाए. इसीलिए हम लोगों ने यह हास्य कवि सम्मेलन रखा है. इसमें जाने माने अंतर्राष्ट्रीय कवि जो लाफ्टर चैलेंज में आ चुके हैं, वावा में आ चुके हैं, जिनके नाम से आप सब परिचित होंगे, उन लोगों का अपने हास्य रचनाओं से आप लोगों का मनोरंजन करेंगे. इनके मैं नाम लेती हूँ, घनश्याम अग्रवाल जी जो अकोला से आएंगे आपके बीच, महेश दुबे जी जो लाफ्टर चैलेंज में आ चुके हैं, दिनेश बावरा जी, ये सब आपको अपनी रचनाओं से हंसाएंगे, रजनीकांत मिश्रा जी, और इस मंच का संचालन करेंगे डॉक्टर आनंद श्रीमाली जी और नजर बिजनौरी जी. इसमें हमारे यहाँ कुछ कवित्री आएंगी, रफत जमाल जी, सुमिता केशवा जी, प्रमिला शर्मा जी, और कुछ कवि हैं कवि अश्विन पांडे जी, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह वाहिद जी आदि कवि जो आप लोगों का मनोरंजन करेंगे. इसके अलावा न्यू बॉम्बे के जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति आकर आप गेस्ट के रूप में आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे. मेरे सहयोगियों में जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है, उनके मैं नाम यहाँ पर नाम जरूर लेना चाहूँगी, जिसमें उमा अग्रवाल, चित्रा गुप्ता, सरोज बंसल, प्रीति उपाध्याय और शारदा ध्यानी, मैना पाठक, इसके अलावा श्यामधर दुबे जी, पत्रकार संतोष पांडे जी, देवेंद्र पांडे जी, अश्विन पांडे, हेतल पांडे और बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने इसमें बहुत सहयोग दिया है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ. अग्निशिखा मंच एक ऐसा मंच है जो आप लोगों के हर दुख के समय खड़ा रहता है. आप ये मत ये कि ये काम हम इसके पास लेके कैसे जाएं, ये हो नहीं सकता है. विशेषकर हम महिलाओं के लिए लड़ते हैं, उन महिलाओं के लिए जो अपने ही परिवारों में किसी भी कारण से, चाहे वो दहेज का हो या शराबी पति हो या सास ससुर बिगड़े हुए हो, किसी भी रूप में किसी महिला को तकलीफ देते हैं, हम उनके ही घरों में उनको सुरक्षित रखवाने का काम करते हैं. आजकल ऐसा भी देखा जाता है कि शादियाँ कर ली जाती हैं, माँ बाप के दबाव में आके लड़का शादी तो कर लेता है पर बीवी के साथ रहना पसंद नहीं करता, और बीवी के आते ही वो उसको परेशान करने लगता है और ये सोचता है कि मायके चली जाए, वहीं रहे, ससुराल में न आए. तो ऐसे लड़कों को ठीक करना अग्निशिखा जाता है. और हम साहित्य को बढ़ाने के लिए साहित्यिक प्रोग्राम करते हैं. मैं आप सब लोगों से अनुरोध करती हूँ, नई मुंबई के वासी और बाहर के, कि 14 अक्टूबर को विश्वधर भावे हाल में शाम को 8 बजे आकर इस हास्य कवि सम्मेलन का आनंद लें. और सबसे मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप सब लोग जरूर आएँ और इसका